ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कमल काकब है। मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट हूं और इसके साथ साथ एक एस्थेटिक कंसल्टेंट भी। आज हम डिस्कस करेंगे एक्नी स्कार्स के बारे में। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जैसा कि आपको नाम से ही अंदाजा हो रहा होगा कि एक्नी की वजह से जो बार बार दाने और कील मुहासे होते हैं, उसकी वजह से स्किन में डैमेज होता है और जो निशान और गड़े रह जाते हैं उनको एक्नी स्कार्स कहते हैं। तो इससे आपको ये भी पता चलता है कि अगर हम एक्नी का बर वक्त इलाज ना करवाएं तो ये एक्नी स्कार्स रह जाते हैं। एक्नी स्कार्स की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जैसे कि आइसपिक स्कार्स, जिसमें जो साइज़ है इनका छोटा होता है लेकिन ये होते काफ़ी डीप हैं। फिर बॉक्स कार स्कार्स हैं, जो कि साइज़ में थोड़े आइसपिक स्कार्स से थोड़े बड़े होते हैं बट शैलो इनकी डेप्थ होती है। रोलिंग स्कार्स हैं, रोलिंग स्कार्स में ये साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और इनकी डेप्थ भी ज़्यादा होती है और ये ऐसे नज़र नहीं आते क्योंकि ये एकदम स्किन के ऐसे लाइक वेवी होते हैं और जब आप इनको एक स्पेसिफिक एंगल ऑफ लाइट के साथ देखते हैं तो ही आपको ये ज़्यादा वाज़े नज़र आते हैं। हाइपरट्रॉफिक स्कार्स होते हैं, उसके अंदर स्किन उभर जाती है और मोटी हो जाती है क्योंकि जब हमारी स्किन में डैमेज होता है हीलिंग के प्रोसेस में, जब एक्सेसिव फाइब्रोसिस होती है उसकी वजह से हाइपरट्रॉफिक स्कार्स बनते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। एक्नी स्कार्स की ट्रीटमेंट काफ़ी मुश्किल है और इसमें काफ़ी सब्र से काम लेना पड़ता है। तो ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे कि केमिकल पील जिसमें शामिल है TCA क्रॉस। इसके अंदर हम हाई स्ट्रेंथ TCA पील जो है वो स्पेसिफिकली जो छोटे साइज़ के स्कार्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया आइसपिक स्कार्स, तो उनके ऊपर जब आप अप्लाई करते हैं तो जो लेयर है स्किन की, जो स्कार स्किन है वो ख़त्म हो जाती है, डेड हो जाती है और कुछ दिन बाद झड़ जाती है और उसकी जगह नई लेयर आती है जो कि पहली वाली लेयर से काफ़ी बेहतर होती है, हेल्दी होती है और इस तरह से मुख्तलिफ सेशंस लेने के बाद आपकी आइसपिक स्कार्स काफ़ी हद तक फिल हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास माइक्रो नीडलिंग। माइक्रो नीडलिंग में देखिए, इसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये है कि जो स्मॉल साइज़ और बहुत ही थिन जो है उसकी गेज की नीडल्स होती हैं और नीडल्स से हम पंक्चर्स करते हैं, तो वो माइक्रो पंक्चर्स जब आप स्किन में करते हैं स्पेसिफिकली तो क्या होता है कि जो फाइब्रोसिस है वो एक तो जो फाइब्रोटिक बैंड है वो भी उससे ब्रेक होते हैं, दूसरा इस ट्रॉमा से कॉलेजन प्रोडक्शन इंड्यूस होती है, यानी कि कॉलेजन जो कि हमारी स्किन का स्ट्रक्चरल प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस बढ़ती है, तो स्किन की थिकनेस में इजाफा होता है और उसकी वजह से भी फिर एक्नी स्कार्स काफ़ी हद तक रिसर्फेस हो जाते हैं। माइक्रो नीडलिंग को अगर हम PRP के साथ कंबाइन करते हैं तो और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। PRP इज़ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जिसमें पेशेंट के अपने ही ब्लड से लेके जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनता है तो उसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और वो भी हीलिंग को प्रमोट करते हैं और हेल्दी कॉलेजन को उसकी सिंथेसिस करवाते हैं। फिर हमारे पास ऑप्शंस हैं लाइक सब्सिजन। सब्सिजन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोलिंग स्कार्स होते हैं, वो काफ़ी बड़े और डीप होते हैं और जो बेसिकली स्कार्स में होता है ये कि जो फाइब्रोटिक टिश्यू है वो स्किन को टेदर कर लेता है, अब पकड़ कर लेता है लाइक अपनी तरफ खींच लेता है, तो सब्सिजन में नीडल्स के ज़रिए उस फाइब्रोसिस जो फाइब्रोटिक बैंड्स होते हैं उनको ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक करते हैं तो स्किन आपकी उठ जाती है, रिसर्फेस हो जाती है। फिर हमारे पास ऑप्शन है इंट्रालेजनल स्टेरॉइड का। इंट्रालेजनल स्टेरॉइड इंजेक्शन हाइपरट्रॉफिक स्कार्स के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। हाइपरट्रॉफिक स्कार्स में क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस हुई हुई होती है तो जब हम स्टेरॉइड्स उसमें इंजेक्ट करते हैं तो आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है और फ्लैट हो जाती है। देन वी हैव हयालुरोनिक एसिड फिलर्स एंड PMMA फिलर्स। जो कुछ स्कार्स इस तरह से हैं कि बहुत ज़्यादा डीप हैं और आप उनको फिल करना ही एक ऑप्शन होता है कि हम, तो उसके अंदर हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जैसे कि नैनोफैट ग्राफ्ट हैं या HA फिलर्स होते हैं या PMMA फिलर्स हैं।
तो जब हम ये जेल लाइक मटेरियल होता है, इसको हम इंजेक्ट कर देते हैं उन स्कार्स के अंदर, तो वो वॉल्यूमाइज कर देता है आपकी स्किन को और आपके स्कार्स फिल हो जाते हैं। देन फिर हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र है। कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र से बेसिकली स्किन को ट्रीट करते हैं, तो स्किन आपकी जो टॉप लेयर्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और वो पील ऑफ हो जाती हैं, और नीचे से नई लेयर्स आती हैं, रीजनरेट होती हैं, जो कि ज़्यादा हेल्दी होती हैं। और किसी ना किसी हद तक, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड हम करते हैं तो हीट भी डर्मिस में डिलीवर होती है, तो वो हीट कॉलेजिन को भी इंड्यूस करती है। दूसरा जो बहुत ही इफ़ेक्टिव ऑप्शन है वो है माइक्रो नीडलिंग, आर एफ माइक्रो नीडल्स। ये थोड़ा स्पेशलाइज किस्म की नीडल्स होती हैं। इसको जब हम स्किन में जब यानी कि नीडल्स को आप इंसर्ट करते हैं, तो आरएफ जो करंट है वो हीट की फॉर्म में डर्मिस में डिलीवर होता है, वो हीट कॉलेजन प्रोडक्शन को इंड्यूस करती है, प्रोमोट करती है कॉलेजन प्रोडक्शन। तो माइक्रो नीडलिंग आरएफ जो है वो ऑलमोस्ट हर टाइप ऑफ स्कार के लिए इफ़ेक्टिव होता है। एक्नी स्कार्स की जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करती है स्किन कंडीशन के ऊपर, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा स्कार्स नहीं हैं और गहरे भी नहीं हैं ज़्यादा, तो एक या दो ट्रीटमेंट ऑप्शंस के मल्टीपल सेशंस लेने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर स्कारिंग बहुत ज़्यादा है और गहरे गढ़े हैं, तो उसमें हमें फिर कॉम्बिनेशन अप्रोच इख्तियार करनी पड़ती है। उसमें हम ये करते हैं कि दो या तीन ट्रीटमेंट ऑप्शंस का मिला जुला के हम उनको करते हैं, और उसके भी फिर मल्टीपल सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। तो आफ्टर टेकिंग मल्टीपल सेशंस काफ़ी हद तक आपकी स्किन रीसरफेस हो जाती है। तो यहाँ पे ये बात ज़रूरी है समझना कि एक या दो सेशन से ट्रीटमेंट या आपको एक डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं, बल्कि आपको ये डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस के मल्टीपल सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, तभी आपको बेहतर आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं और स्किन आपकी इम्प्रूव हो जाती है। इन एक्नी स्कार से बचा कैसे जाए? तो प्रिवेंशन के लिए सबसे जो अहम बात है वो ये है कि एक्नी को होने ही ना दिया जाए। जब एक्नी के दाने आपको निकलने शुरू होते हैं, कील माह से जब शुरू होते हैं, तो उनकी इब्तिदा में ही अगर ट्रीटमेंट कर ली जाए तो वो मज़ीद डैमेज ही नहीं करेंगे और ना आपके स्कार्स बनेंगे। ख़ास तौर से जो टीन एज में, क्योंकि एक्नी ज़्यादा कॉमन है, तो वालदैन को चाहिए कि जब उनके बच्चों के इस तरह से फेस पे एक्नी निकलना शुरू हो तो उसी वक्त उनका इलाज करवा लिया जाए। टाइम से इलाज हो जाता है तो आपकी एक्नी इतना स्किन को आपकी डैमेज नहीं करती और निशान भी नहीं रहते। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एक्नी स्कार्स। अगर आपको मेरे पास विज़िट करना है तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और अपॉइंटमेंट लेने का तरीका ये है कि आप ओला डॉक की जो वेबसाइट है उसके थ्रू आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, और आप वीडियो लिंक के थ्रू भी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ़।